को संसद का टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। आइए पहले जान लेते हैं आखिर कौन है डॉक्टर महेश शर्मा। डॉक्टर महेश शर्मा का जन्म 30 सितंबर 1959 को राजस्थान के अलवर जिले के निमराना के पास मनेठी गांव में हुआ था। उनके पिता कैलाश चंद शर्मा एक स्कूल टीचर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई गाँव में हुई, जिसके बाद वे पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए। आपको बता दें कि डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं। और तो और बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर महेश एक बार फिर विधायक बने और दूसरी बार सांसद बने और तीसरी बार पार्टी ने उनके नाम का ऐलान किया। दरअसल लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं, जिसमें भाजपा ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से डॉक्टर महेश शर्मा को चौथी बार चुनावी मैदान में उतार दिया है। वे इस सीट से चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले हुए 3 लोकसभा चुनाव में से 2 बार उन्होंने जीत हासिल की, जिसमें एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। महेश शर्मा के नाम की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के टिकट की घोषणा के दौरान महेश शर्मा जेवर के दौरे पर थे। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा को चौथी बार उम्मीदवार बनाने की घोषणा के बाद उन्हें तमाम कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। डॉक्टर महेश शर्मा ने रात 8:30 बजे नोएडा के सेक्टर 19 में सनातन धर्म मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। खुर्जा लोकसभा क्षेत्र का नाम 2009 में बदलकर गौतम बुद्ध नगर रखा गया था। हालांकि महेश शर्मा 3 साल से हर बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। पहले चुनाव में उन्हें बसपा के उम्मीदवार सुरेंद्र नागर से हारना पड़ा। इसके बाद महेश शर्मा 2024 और 2019 में बड़े अंतर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर पहले चुनाव में हार के बाद भाजपा ने दूसरे और तीसरे चुनाव में जीत हासिल की थी। दोनों चुनाव में पार्टी ने मत प्रतिशत भी बढ़ाया था। वहीं इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला सपा कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी से होने की उम्मीद है। 2009 में खुर्जा लोकसभा क्षेत्र का नाम बदलकर गौतम बुद्ध नगर रखा गया था और पहले चुनाव में बसपा उम्मीदवार सुरेंद्र नागर ने 15,904 वोट से हराया था। भाजपा को 31.07 और बसपा को 33.24% मिले थे। 2024 के चुनाव में महेश शर्मा ने जीत हासिल की। इस चुनाव में भाजपा को 50% मत मिले। 26.64% मतों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। तो वही 2019 में भाजपा को 59.64 मत मिले। सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार को 35.46% मिले। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र बनने से पहले इसका नाम खुर्जा था। इस सीट से 1996, 1998, 1999 और 2004 में भाजपा के उम्मीदवार अशोक कुमार ने जीत दर्ज की थी। लिहाजा 1996 से लेकर 2019 तक गौतम बुद्ध नगर और खुर्जा से भाजपा 7 लोकसभा 6 लिहाजा 1996 से लेकर 2019 तक गौतम बुद्ध नगर और खुर्जा से भाजपा 7 लोकसभा में 6 बार जीत दर्ज की थी। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।